जी हाँ गाइस, मैं बेकाबू के सीजन 2 के बारे में बात करूंगी। सो गाइस चलते फिर बिना किसी लंबी बहस के अपने आज के इस टॉपिक पर। जैसा कि आपको पता है कि बेकाबू का सीजन 1 सुपर डुपर हिट सीजन है। जी हाँ, इसमें काम किया है ईशा सिंह ने, शालिन भनोट ने, शिवानगी जोशी और जैन इमाम भी हमें इसके सीजन में नजर आए हैं। जी हाँ, स्टार्टिंग के एपिसोड में हमें शिवानगी जोशी और जैन इमाम यानी कि शिवानगी हमें राजपाली का किरदार निभाते हुए नजर आई थी और जैन इमाम ने प्रथम का किरदार निभाया था, जिसके बाद आपको पता है कि स्टोरी आगे दिखाई गई थी जिसमें ईशा सिंह ने राजपरी और बेला का किरदार निभाया था और शालिन भनोट ने प्रथम का और राणा का किरदार निभाया था। और ईशा सिंह और शालिन भनोट को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। जी हाँ, इनकी केमिस्ट्री को, इनकी बॉन्डिंग को, इनके रोमांस को, सबको मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनको आगे भी मतलब यही दोनों को देखना चाहते हैं। जी हाँ, बेकाबू सीजन 2 में भी हमें ईशा सिंह और शालिन भनोट को ही देखना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 41 एपिसोड्स के बाद इसको ऑफर कर दिया गया है। इसको ऑन एयर किया गया था 18 मार्च को और इसको ऑफर किया गया है 6 अगस्त को। जी हाँ, कुछ एपिसोड्स के बाद इसको ऑफर कर दिया गया है, लेकिन जितने भी एपिसोड्स आए हैं सुपर डुपर हिट एपिसोड्स आए हैं, जी हाँ, पब्लिक ने बेकाबू को सीजन 1 को बहुत ज्यादा पसंद किया है और अब डिमांड कर रहे हैं कि हम उसका सीजन 2 देखना चाहते हैं। और यही है कि सीजन 2 भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी ही ये हाल ही में ही सीजन 1 ऑफर हुआ है, इसलिए फौरन हमें इसका सीजन 2 देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, बहुत जल्द हमें इसका सीजन 2 देखने को मिल सकता है, वो भी शालिन भनोट और ईशा सिंह और जैन इमाम के साथ। जी हाँ, शालिन भनोट, ईशा सिंह और जैन इमाम तीनों ही मतलब सीजन 1 का हिस्सा रह चुके हैं। शालिन और ईशा ने एक साथ मतलब काम किया है, एज अ कपल इनको दिखाया गया है बेकाबू सीजन 1 में। तो जैन इमाम और शिवानगी जोशी ने एज अ कपल इनको दिखाया गया है सीजन 1 में और लोगों ने इन दोनों की केमिस्ट्री को ही बहुत ज्यादा पसंद किया है। जी हाँ, और सुनने में यही है कि अब सीजन 2 में भी हमें शालिन भनोट, ईशा सिंह और जैन इमाम ही नजर आ सकते हैं। सो गाइस, देखना यह है कि जब इसका सीजन 2 आएगा तो हमें यही दोनों तीनों नजर आएंगे या फिर कोई और नजर आएगा। खैर, ये तभी कंफर्म होगा जब इसका सीजन 2 आएगा। सो गाइस, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं बेकाबू सीजन 2 को तो देखने के लिए, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग इन तीनों को, आप मोस्ट फेवरेट आपका ये तीनों में से कौन है, मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा।